अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुमाना सईद कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही कम कपड़े में आपको नायरा कट कुर्ती की कटिंग दिखाऊंगी। 2.5 मीटर कपड़े में आप अच्छा खासा फ्लेयर वाला नायरा कट की कुर्ती कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 3 मीटर फैब्रिक लीजिएगा। चलिए कुर्ती की कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं फैब्रिक को नाप कर आपको दिखा दे रही हूँ ये फैब्रिक कितना है। तो इस तरह से इंच टेप को सीधा करके नाप ले लेंगे, 40 इंच पे आ गया, ये 1 मीटर हो गया। और अब इसको कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा, और ये 1/2 मीटर है एक्स्ट्रा, 2.5 मीटर ही फैब्रिक है। अब कपड़े को हम खोल लेंगे और 4 फोल्ड करेंगे, बंद साइड अपनी तरफ करेंगे और खुली हुई साइड दूसरी तरफ करेंगे। अब जो योक पार्ट होता है चोली वाला, सबसे पहले उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को सीधा कर लीजिए आप और फिर नाप लीजिए। मीडियम साइज में 14 से 15 इंच की चोली की कटिंग होती है। मैं 15 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ, आप लोगों का जितना है उतना लगा लीजिए। और शोल्डर 14 इंच है तो मैं 7 इंच ले रही हूँ, नॉर्मली हम 7 इंच ही लेते हैं। और 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लूँगी। अब चेस्ट साइज 38 है तो 38 का चौथाई भाग 9.5 ले रही हूँ मैं, और मैं लूजिंग उसी में ऐड कर चुकी हूँ तो मार्जिन 1 इंच ठीक है, 1 इंच ही मार्जिन है। और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। कमर वाली जो साइज है वो 32 इंच है तो उसका चौथाई भाग मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं, मैं 1.5 इंच पे लगा रही हूँ और इसे सीधा कर लूँगी। अब बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कटिंग हो रही है दोनों की, तो 1.5 इंच की मैं गुलाई दूँगी। और इस तरह से गुलाई दे देंगे हम। गला हमारा 3 इंच का ही रहेगा, अगर आपका शोल्डर ज़्यादा गिरता है तो आप 2.5 इंच पे भी कर सकती हैं। और अब थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए चोली की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे और जो निशान लगे हैं उन निशानों पे कटिंग कर लेंगे। अब बैक और फ्रंट एक साथ हमारी कटिंग हुई है तो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे हम अलग करके निकाल लेंगे और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे फिर से, और 1/2 इंच की गोलाई देकर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इससे फूलन नहीं आएगा साइड में। और अब गले की कटिंग करेंगे तो गला हमारा नॉर्मली गोल गला ही बनेगा, कभी भी गले का नाप आप तिरछे से ही लीजिएगा, इससे गला बड़ा नहीं होगा। निशान लगाने के बाद निशान को सीधा कर लेंगे। और 1 इंच पे निशान लगाकर गोलाई दे देंगे। और थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे गले की। बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट से बैक का जो गला है वो बस 1 इंच ही एक्स्ट्रा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो जो उसकी कटिंग निकली हुई है मैं उसी को रख के इस पर कटिंग कर लूँगी।
थोड़ा सा बढ़ाकर एक इंच। अब जो घेर वाला कपड़ा है वो उसकी लंबाई 35 इंच ही लेनी है, 35 इंच पे निशान लगाकर और लाइन को सीधा कर लेंगे। टोटल लंबाई 50 इंच की है तो 15 इंच हमारा चोली में निकल गया और 35 इंच में जो फ्लेयर वाला पार्ट रखना है उसका सीधा सा ऐसे 35 इंच में, ये 4 फोल्ड है कपड़ा। अब स्लीव के लिए हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा है, इसमें थोड़ा सा हमें जॉइंट करना होगा। सबसे पहले मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच का नीचे फोल्ड करने के लिए और उसके बाद स्लीव का की लंबाई पे निशान लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। और 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे 4 फोल्ड करके वहाँ पे जॉइंट करने के लिए रख लेंगे। और इसका शेप दे देंगे स्लीव का। अब कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लीव की कटिंग हो जाएगी, बस थोड़ी सी जॉइंट करनी होगी फैब्रिक लेकर। पूरा लुक आप देख सकते हैं, जब इसकी स्टिचिंग होगी तो बहुत ही खूबसूरत इसका फ्लेयर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग जरूर दिखाऊंगी। थैंक